और चलिए अब जरा रुक करते हैं पंड्या स्टोर्स का। वो क्या है ना कि सीरियल में हो रही है शादी। अब देव की शादी होनी थी रावी से, लेकिन ऐन मौके पर वहां पर रिशिता आ गई। जाहिर सी बात है कि फिर देव की शादी रिशिता से हो गई, यानी कि अब रावी के लिए बलि का बकरा किसको बनाया जाएगा। ऑब्वियस चॉइस थी शिवा। शिवा और देव के लिए उनकी भाभी माँ समान है। तो भाई जब भाभी ने कहा शिवा से कि उसे रावी से ब्याह करना पड़ेगा, तो वो ना नहीं कर पाया। एक जोड़ी की जगह दो दो जोड़ियों का ब्याह एक ही मंडप में हो गया। अब शिवा किसी की बात मानेगा तो वो सिर्फ एक माँ है और एक भाभी है जो माँ समान है उसके लिए। तो अब मेरे लिए तो रावी भी बच्ची है और बचपन से मैं भी उसको देखती आई हूँ, और रावी से मेरा कोई बैर नहीं है भले मामी की बहन की बेटी हो। बट फिर भी तो धरा चाहती है कि देखो अभी अनीता का जो हाल हुआ, मैंने गौतम से शादी कर ली, वो अभी तक कुंवारी बैठी है। तो रावी फिर पूरी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रहेगी, इसलिए हमने सोचा कि शिवा के साथ उसका टाका बढ़ा दिया जाए और उसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि आगे जाके तो प्यार मोहब्बत हो ही जाएगी। अब ये शादी तो हो गई, लेकिन कहते हैं ना शादी के बाद वाला हंगामा भी तो जरूरी है। रिशिता जो एक डॉन परिवार से ताल्लुक रखती है, उसके घर वाले आए यहाँ पर और शादी पर हंगामा करने लग गए। लेकिन भाई एक जगह जब जमा हो पंड्यास ब्रदर, तो उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। ये मसला तो उन्होंने चुटकियों में हल कर दिया और रिशिता ने भी अपने घर वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रिशिता है ना, वो बहुत ज्यादा प्यार करती है देव से, उसे और किसी चीज से लेना देना ही नहीं है। वो किसी का बुरा नहीं सोचती, पर वो खुद के बारे में सोचती है। इफ इट इज सेल्फिश आई थिंक इट्स फाइन, बिकॉज वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। अब शादी के मंडप में सच में इन सब की एनर्जी कितनी चली गई होगी। शादी में जो पकवान बने होंगे उसे भी तो खाना चाहिए ना। तो चलिए भूख लगी होगी, और वैसे भी दूल्हा दुल्हन को एक साथ खाने की रस्म भी बाकी है। तो भाई यहाँ का खाना पीना खत्म कीजिए, क्योंकि आप सबको घर भी तो पहुँचना है। अभी कुछ हंगामा वहाँ पर भी बाकी है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।